बावलोग मूवीज का सैलाब फूट पड़ा है और मुझे समझ नहीं आता कि सारे मेकर्स को एक ही साथ क्यों मरना होता है और बिजी हम रिव्यूअर्स ऐसा लगता है मूवी देख नहीं रहे हैं, सजा काट रहे हैं। तो बाबा इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ मैंने बर्लिन मूवी देख ली है, चलो बात कर लेते हैं। पहले ही बता दूं ये मूवी सभी के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो कंटेंट ओरिएंटेड बंदे हैं, जिनको अगर मूवी में मसाला ना भी मिलेगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम बाबा इस मूवी में कोई मसाला भी नहीं है, बेसिकली मूवी ने फोकस किया है अर्ली 93 में इंडिया की दो हाई एजेंसीज के बीच की कसमकस, उनके बीच की तकरार को देखने को मिलेगा इसमें, मतलब उनके कॉम्पिटिशन को दिखाया है जो एक दूसरे को गिराने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दूसरा, ये इंटेलिजेंट एजेंसी इस टाइम दुश्मनों से कम आपस में ज्यादा पंगा कर रही है। फुल स्पाई यूनिवर्स कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी और दिखाया भी आई है। 93 के टाइम पर रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंट ब्यूरो के बीच में कैसे पंगा चलता था, जहां मेकर ने रॉ को थोड़ा हल्का ही दिखाया है। स्टार्टिंग में ये मूवी आपको दोस्त नहीं बनाएगी, शुरू में ही इसे छोड़ने का मन कर जाएगा एक बार के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो यस ये आपको अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन सिर्फ मिडिल पार्ट ही इस मूवी का बढ़िया है, बेहतरीन है। स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत बहुत हद तक बेकार भी नहीं कहेंगे, बट आपको साथ नहीं ले जाएगी। जहां एंडिंग से बाबा मुझे बहुत शिकायत थी, वी स्पेंड 2 आवर्स फॉर नथिंग, मतलब नो बेस्ट कंक्लूजन, क्योंकि कहानी लग रही थी नेशनैलिटी थ्रेट के हिसाब से, जो हम उम्मीद करने लगे थे कि यस जबरदस्त केस सॉल्व देखने को मिलेगा एट द एंड, लेकिन एक फेक केस अपनी पर्सनल आइडेंटिटी एंड इमेज को बचाने के लिए पूरा यह तामझाम सेट किया गया था। बस यही है इसमें, कहानी बीच में खींचेगी जिसकी लेंथ छोटी करी जा सकती थी, जो इस मूवी का निगेटिव पॉइंट है। लेकिन हाँ, ऐसी स्पाई मूवी इंडिया में बनती नहीं है तो उस हिसाब से ये बढ़िया थी। कुछ भी नहीं है तो यस वन टाइम वॉचेबल है, देख सकते हो, मरोगे नहीं डेफिनेटली, लेकिन हाँ कहानी बोर कर देगी एक बार के लिए, इसकी गारंटी है, क्योंकि स्टोरी बीच में भटक जाती है। बाकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बाबा यही सबसे दमदार एंड मजेदार पार्ट है इस मूवी का, जहां अपार शक्ति खुराना एक साइन लैंग्वेज टीचर है और जबरदस्त काम किया है। एंड दूसरी तरफ इसाक सिंह, इस बंदे ने भी सॉलिड सॉलिड काम किया है, एक गुंगा बहरा के रूप में जो साइन लैंग्वेज में बात करता है, और वो बहुत ही नेचुरल फील होता है, बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मेंस। इसके लिए इन्होंने क्लास भी ली थी और वो हार्ड वर्क इनका दिख भी रहा था। देन दैट इज द ऑसम पार्ट ऑफ दिस मूवी। राहुल बोस एज इंटेलिजेंट ऑफिसर डिड ए फैंटास्टिक जॉब ऑल्सो। मूवी की लेंथ 2 घंटा है, G5 पर आपको ये मिल जाएगी, तो यू कैन गो एंड मजे लो, देखो। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है। और बाबा इस चैनल पर गेम ऑफ द थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन से रिलेटेड भी बातें चलती रहती हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे भी बात चलनी है, तो आपको उस यूनिवर्स में भी इंटरेस्ट है तो यस चैनल को विजिट करो और बने रहो। मिलते हैं अगली वीडियो पर। यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।